नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अपटॉक्स डीमेट अकाउंट खोलने के बारे में। तो दोस्तों अपटॉक्स डीमेट अकाउंट वो होता है जिसमें शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो, वो डीमेट अकाउंट होता है। तो दोस्तों आज इसी अकाउंट के बारे में बताएंगे कि कैसे खोलना है कैसे नहीं खोलना है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा कैसे हम डीमेट अकाउंट को दोस्तों कैसे खोल सकते हो कैसे नहीं। तो दोस्तों पूरा भी वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राहुल टेक स्टार। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी दबा देना ताकि आपको आने वाला वीडियो तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, फिर आपको बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है अपटॉक्स स्टॉक और डीमेट अकाउंट। तो दोस्तों इसको सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर देने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है और इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और डाल देने के बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने तो दोस्तों एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ डाल देना है। जो मोबाइल नंबर डाले हो वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसके बाद तो दोस्तों तभी आप लॉगिन कर पाओगे। इसे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना होता है, तो यहाँ पर एक ईमेल यहाँ पर डाल देनी है और डाल देना है जो भी आपका आप जो चला चाहो जो चलाना चाहो वो। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट फॉर KYC, तो यहाँ पे KYC करनी होगी तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल होती हैं, उन डिटेल को कन्फर्म करना होता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी डिटेल है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ डिटेल लिखा हुआ है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मैरिड डाल दिया है, तो यहाँ पर मैरिड हैं हम। उसके बाद दूसरा है कि आप एक्सपीरियंस कितने दिन का है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस यहाँ पे है तो है नहीं, तो दोस्तों 0 से लेकर 1 साल तक के यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक कर दोगे। उसके बाद दूसरा है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है आपका, क्या करते हो। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करो तो यहाँ पर आप जो भी करते हो, हम तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी किसी भी सेक्टर में काम करता हो, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर, बहुत सारी ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर किसी एक को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद एनुअल इनकम क्या है आपकी, उस इनकम को यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो से इनकम आपकी साल की हो जाती होगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो 1 लाख 1 साल तक की जो इनकम होती है वो यहाँ पे 0 से लेकर 1 लाख तक यहाँ पे कर देता है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ भी कंटिन्यू कर देना है। आपके सामने पैन कार्ड यहाँ पर मांगेगा, उस पैन कार्ड को यहाँ पर डाल देना है, नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है, और जैसे ही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालते हो तो यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नाम और पिताजी का नाम आपका शो कर जाएगा। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी पैन कार्ड में जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को यहाँ पर जो शो कर जाएगा जिस एड्रेस से आप रहते होगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक कर देने के बाद में आपके सामने दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो देनी होगी, उस फोटो को यहाँ टेक ए फोटो पे क्लिक करोगे तो आपको अलाउ मांगेगा, अलाउ कर देना है। अलाउ कर दें उसके बाद तो आपके एक कैमरा खुल जाएगा, उस फोटो को यहाँ दे देना है जो रियल का फ़ोटो खींचोगे। तो दोस्तों हमारा यह फ़ोटो यहाँ पे दिख जाएगा आपको सामने, तो यहाँ पे हमने एक फ़ोटो को ले लेना है। तो यहाँ जैसे ही लोगे तो दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा हो तो इस पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर अपना एक बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करना होगा, तो यहाँ पे UPI के थ्रू यहाँ पे हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नावी पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमने यहाँ पे नावी को ऐड कर दिया है। ऐड कर देने के बाद में आपके सामने तो दोस्तों यहाँ पे 1 रुपये यहाँ पे देना होगा, 1 रुपये हो या 5 रुपये हो यहाँ पे दे सकते हो। देने के बाद हमने दे दिया है और दे देने के बाद में दोस्तों एक कुछ कन्फर्म करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर कुछ कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर एक साइन करना होगा, जो आप साइन करते हो तो यहाँ पर एक साइन करना होगा। साइन करने के बाद यह एक पेज खुल जाएगा, वहाँ पे साइन कर देना है आपको। तो हमने यहाँ पे साइन कर दिया है, तो हमने यहाँ पे साइन कर दिया है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, तो इस पर ऑल एग्रीमेंट यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ओके पे क्लिक कर देना है, ओके अंडरस्टैंड। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर जिस हिसाब से आप सैलरी लेते हो, प्रूफ इनकम क्या है आपका, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सैलरी जो सैलरी स्लिप यहाँ पर, तो हमने सैलरी स्लिप का क्लिक किया है और सैलरी स्लिप यहाँ पर
अपलोड करनी होगी। तो हमने सैलरी स्लिप को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद अपलोड मांग रहा है कि ये सैलरी स्लिप को यहाँ पे अपलोड करो। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे सैलरी स्लिप की फ़ोटो हमारे पास है तो उस पर हमने क्लिक किया और तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा तो कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऐड नॉमिनी के हिसाब से बोला कि ऐड यहाँ जो नॉमिनी है वो ऐड करना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे ऐड जो नॉमिनी है वो ऐड नहीं करनी है हमें, तो यहाँ पे ऐड लेटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन और एप्लीकेशन मांग रहा, तो दोस्तों साइन इन एप्लीकेशन वो जो मतलब आपके आधार कार्ड से वो होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है इसको भी। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इतना एक पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नाम लिखता होगा, तो यहाँ पे किस हिसाब से आपने अकाउंट बनाया है, तो दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड के अनुसार। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है और उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी यहाँ पे शो कर जाएगा और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। लिखा है योर रिस्पॉन्स वी रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद इस ये जो स्टेप्स हैं वो सारे फॉलो हो चुके हैं। उसके बाद आपके सामने अगर खोलना है तो दोस्तों व्यू एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ एग्रीमेंट सारा खोल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सारा खुद देख सकते हो कि हमारा कौन कौन सा फॉर्म जमा हुआ है कौन सा नहीं, तो पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।